पानी की कमी की वजह से ना हमारी खेती जो है फल फूल रही थी, ना हमारा आर्थिक विकास है वो नहीं हो रहा था। पानी दूर लेने जाना पड़ता था और खेतों में जैसे लगाना है तो उसमें भी हमको समस्या पड़ता था। पहले हमारे एक छोटे से गांव में बहुत विषम समस्याएं थी, उबड़ खाबड़ भूमि थी, जमीन बंजर थी, उपजाऊ नहीं थी। हमारे यहाँ पानी की समस्या भी बहुत थी, इस वजह से हम खेती अच्छे से नहीं कर पाते थे और हम कमाने खाने के लिए नागपुर पलायन करते थे। तो 2012 में फिर रिलायंस फाउंडेशन आया, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे हमारे खेतों में, उनको खोद के उसको उपजाऊ बनाए, तालाबों को गहरीकरण करवाया गया और डबरा डबरी बनवाया गया खेतों पे। तो अभी हमारे जो खेत हैं वो सही होने के कारण उनमें पैदावार बढ़ी है। आज रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से हमारे यहाँ पर घर घर तक पानी जा रहा है, पानी की समस्या दूर। दो सौ मीटर की दूरी पर हमारा पानी का वो स्रोत है जहाँ पे आस पड़ोस के 10-12 परिवार वहाँ पे पानी भरते हैं। यहाँ पर इतनी खेती बाड़ी नहीं होती थी कि हम और हमारे गांव के आदमी लोग घर में ही रहकर काम करें, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत कमी थी। उसके बाद हमारे गांव में फेरो सीमेंट की एक टैंक बनी, जिससे कि क्या होता है कि जो 10-12 बाल्टी में वहाँ नीचे स्रोत से लाती थी वो आज मेरे घर में आ रहे हैं। तो जो 2-3 घंटे पानी लाने में लगते थे उनके बदले मैं अपने घर का काम कर लेती हूँ, पढ़ाई कर लेती हूँ। सबसे बड़ी जो समस्या वो पानी की थी, कि जितना भी पानी हमारे गांव में गिरता था वो पूरा बह के जाता था। पानी बह जाने की वजह से फसल ले नहीं सकते थे। पानी की कमी की वजह से ना हमारी खेती जो है फल फूल रही थी, ना हमारा आर्थिक विकास है वो नहीं हो रहा था। जब 2012 में हमारे गांव में रिलायंस फाउंडेशन आया, रिलायंस ने जैसा नाला खोलीकरण है, उसके बाद जो डीप सी सी टी है हमें प्रेरित किया है, और उसके बाद 2.5 किलोमीटर तक नहर का काम किया, और जो छोटे बड़े बांध थे बराबर डाले गए ताकि जितना भी बारिश का पानी आता तो हमारे खेत में रुक सके वो, जिसकी वजह से किसानों को जो जितना भी पानी है अपने खेत में वो सिंचाई के लिए मिल सके। तो उन्होंने स्प्रिंकलर सेट दिए हमारे को, ड्रिप सिंच दिया है, तो उसकी वजह से कम 70-69% के जो लोग हैं वो पूरे दोहरे पिक में आ गए हैं। पहले हमारे यहाँ पानी की समस्या था, पानी दूर लेने जाना पड़ता था और खेतों में जैसे लगाना है तो उसमें भी हमको समस्या पड़ता था। पूरे गांव में एक ही हेडपंप था। मुगल डोल में एक तालाब था, वो टूटा हुआ था। उस तालाब पर रिलायंस फाउंडेशन ने उसका गहरीकरण और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, जिसके माध्यम से आज वो तालाब बन गया और वाटर लेवल बढ़ा। और आज की स्थिति ये है कि बारिश पे जितना पानी उस गांव से बाहर निकल जाता है वही निकल पाता है। उसके बाद उन 4 चेक डैम्स में और ऊपर के तालाब में पानी को उन्होंने रोक करके रखा। पहले हमारा 125 एकड़ करीब सिंचित रहता था, आज हमारा 400 एकड़ जमीन सिंचित हो जाता है। रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से चौगने में हमारा गाँव के लिए आमदनी होना शुरू हो गया। தண்ணி பிரச்சனை எங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையா இருந்துச்சு. தண்ணி வந்து அதிகமாக ஸ்மெல் இருக்கும், கலங்கலா இருக்கும், குழந்தைகளும் யூஸ் பண்ண முடியாது, பெரியவங்களாலையும் அதை யூஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அடிக்கடி கல்லடப்பா வந்தது, குழந்தைகளுக்கும் வந்துருச்சு. ரிலையன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் மூலியமா நாங்கள் ஒரு சங்கம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம். ரிலையன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் கிராம விவசாய சங்கத்தின் மூலமா ஆர்ஓ பிளான் சிஸ்டம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுத்திருந்தோம். வச்சு இப்போ நாங்கள் தண்ணி சுத்தமான தண்ணியை நாங்கள் குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். சுத்தமான தண்ணி வந்து மக்களுக்கு அனைவருக்குமே கிடைக்குது. हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या थी, पानी की वजह से यानी फसल भी अच्छी नहीं आती थी, तो ये हमारा आर्थिक उत्पन्न वो कम होता था, इसलिए हमारे कुटुंब की समस्या भी और ज़्यादा गंभीर हो गई थी। 2011 में काम चल हो गए पहले फाउंडेशन का, तो कुछ लोगों के खेत में कुएं बनाए, इधर का पानी आता था नाले का, उसको बंदारे बना दिए साइड में, बाद में वो बड़े बड़े 4-5 डैम बनाए। अब मेरे पास पूरे अंडरग्राउंड पाइप लाइन हो गई, तो पानी का यूज करने के बाद वो कुछ जो फसल थी वो फसल को फायदा हो गया। हमारा घर का जो समस्या थी एंड पैसे की वो थोड़ी अच्छी हो गई।